सेल्फी साहब टाइम टाइम हो चुका है, आप अगर सब बहुत से लोग आपसे दम करवाना चाहते हैं, अगर आप बस मैं अभी दम करने लगा हूं, मेरे मुझे भी कोई दम करे सिर नु पीड़ लगी मेरे। मेरी बात सुन ले सेल्फी साहब। बीबी ये इसको मैं ये जो है ना ये खबीस की औलाद जो तुम्हारे से बातें करता है हैं, मैं अभी इसको सामने लाकर इतने जोते मारेगा ये याद करेगा खबीस का बच्चा। हाँ बस बैठ जाओ तुम। सेल्फी साहब प्लीज मेरी बात सुन ले, ये अभी आ जाएगा फिर ये भाग जाएंगी सारी। सेल्फी साहब मेरी बात सुन ले, मुझे ना दो तीन दफा मेरी हार्ट बीट बहुत तेज होगी, अजीब सी मेरी हालत, हार्ट बीट बहुत तेज होगी दो तीन दफा ना, बहुत अजीब सी हालत होगी कि मुझे यूं लगा था शायद मेरी डेथ होने लगी, ऐसे डेथ होती होगी। तो मैं कलमा अस्तगफार, उसके बाद से अक्सर ऐसे कि मुझे बड़े नेगेटिव ख्याल आते हैं, शैतानी वसवसे, हर वक्त मुझे यही डर रहता है। मैं हर वक्त ही मैं कुछ ना कुछ पढ़ती हूँ, मैं कलमा पढ़ती रहती हूँ, पता नहीं कब मेरी मौत आ जानी है, पता नहीं कब मेरा ईमान ना डगमगा जाए, मेरा इस्लाम ना डगमगा जाए, कुछ चीज़ ऐसे यानी वसवसे मेरे में बहुत। मैं मतलब आप सुनो बेटा सुनो, आप सुनो, मैंने आपसे दाम कराने से तो मैं दिल इधर दिल पर हाथ रख के ना एक छोटी सी दुआ है, अल्लाह अल कबी अल कादिर अल मुक्तदिर कब्दनी व कल्बी जी, ये हर नमाज के बाद सात बार पढ़ो, और जिसको इस किस्म के वसवसात आने शुरू हो जाएं हाँ जी, उसका इलाज रसूल ने बताया कि कहो आमंतु बिल्लाह व रसूल ही हुवल अव्वल वल आखिर व ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल शैइन अलीम। ये पढ़ना शुरू करें आप, ठीक है। मौत जो है ना उसने अपने टाइम पे आना है जी, ठीक है। मोमन मौत से नहीं डरता जी, जब आपको ये वसवसा है कि उनमें मर गई गुज गई तो अच्छी बात नहीं कि आप कलमा जबान पे ले हैं। वो तो करती हूं ना, मरना तो अपने टाइम पे ही है ना जी जी, ठीक है जी। तो आप मौत को अपने पर सवार ना करें कि मैं मर रही हूँ, दिल में कहो मैंने तो मरना ही मरना है जी, इससे तो कोई इनकार ही नहीं है, ठीक है। और ये आप पढ़ो कि जब अल्लाह अल कबी अल कादिर अल मुक्तदिर कब्दनी व कल्बी, और नेगेटिव सोच की जो मैंने बता दी आमन तो बिल्लाह व रसूल ही हुवल अव्वल वल आखिर व ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल शैइन अलीम, ये इलाज बताया उन लोगों के लिए भी है जिनको दीन के बारे में कुरान के बारे में अच्छे ख्याल नहीं आते, यानी कि बुरे ख्याल आते हैं, उनका इलाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को ये बताया था कि तुम कसरत से पढ़ो आमन तो बिल्लाह व रसूल ही हुवल अव्वल वल आखिर व ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल शैइन अलीम। अगर आपको अभी नहीं लिखी जा रही सूरह हदीद की ये स्टार्ट आयतों में ये आती है, पहले आमन तो बिल्लाह व रसूल ही, ये कुरान के लफ्ज़ नहीं है, ये हदीस के लफ्ज़ हैं, और ये जो आयत है आमन तो बिल्लाह व रसूल ही हुवल अव्वल वल आखिर व ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल शैइन अलीम, ये सूरह हदीद की मेरा ख्याल तीन या चार नंबर आयत है, ये पढ़ो, ये अल्लाह ताला उसको शिफा दे दे। अस्सलाम वालेकुम जी, वाह लाइन एडी लंबी लगी, उन दुआ ना करिए बेचारे बह के। अल्लाह अल कवी अल कादिर अल मुक्तदिर कव्वनी व कल्बी, अल्लाह अल कवी अल कादिर अल मुक्तदिर कव्वनी व कल्बी, अल्लाह अल कवी अल कादिर अल मुक्तदिर कव्वनी व कल्बी, अल्लाह अल कवी अल कादिर अल मुक्तदिर कव्वनी व कल्बी, अल्लाह अल कवी अल कादिर अल मुक्तदिर कव्वनी व कल्बी, अल्लाह अल कवी अल कादिर अल मुक्तदिर कव्वनी व कल्बी, अल्लाह अल कवी अल कादिर अल मुक्तदिर कव्वनी व कल्बी, अल्लाह अल कवी अल कादिर अल मुक्तदिर कव्वनी व कल्बी, अल्लाह अल कवी अल कादिर अल मुक्तदिर कव्वनी व कल्बी, अल्लाह अल कवी अल कादिर अल मुक्तदिर कव्वनी व कल्बी, अल्लाह अल कवी अल कादिर अल मुक्तदिर कव्वनी व कल्बी।